हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रीन वर्ल्ड माय ड्रीम गार्डन चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूँ आरजे और आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ स्वीट ऑटम क्लेमेटिस, जिसके बारे में पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। फ्रेंड्स, अब ये ऑटम सीजन स्टार्ट हो गया है तो मैं आपको इसके बारे में दोबारा बताना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये प्लांट स्वीट ऑटम क्लेमेटिस है, जिसे क्लेमेटिस टनी फ्लोरा भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये बटर कप फैमिली से बिलोंग करता है। फ्रेंड्स देखिए, और ये फ्रेग्रेंस फ्लावरिंग प्लांट है फ्रेंड्स, और ऑटम सीज इसमें सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग आती है फ्रेंड्स, इसी वजह से इसका नाम स्वीट ऑटम क्लेमेटिस पड़ा। फ्रेंड्स देखिए, मेरे प्लांट्स में, पूरे प्लांट्स में इसमें फ्लावरिंग आई हुई है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, ये प्लांट चाइना, जापान, कोरिया, मैग्नोलिया, रसिया और ताइवान का नेटिव प्लांट है। फ्रेंड्स, ये एक वाइन है जिसके फ्लावर्स वाइट होते हैं। फ्रेंड्स, सॉइल की बात करें तो इसकी सॉइल वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, जिसमें वाटर रुके नहीं। फ्रेंड्स, उसके लिए हमें वेल ड्रेन पॉट की ज़रूरत होती है फ्रेंड्स, ताकि पानी इसमें इकट्ठा नहीं हो और पानी इसमें नीचे निकल जाए। फ्रेंड्स देखिए, पूरे प्लांट्स में वाइट कलर से इसमें फ्लावर्स आए हुए हैं, जिनकी फ्रेग्रेंस पूरे घर को महका देती है। फ्रेंड्स, इसकी एक अलग ही प्रकार की फ्रेग्रेंस है इस प्लांट की। फ्रेंड्स, अदर फ्रेग्रेंस के कंपेरेटिव तो ये एक डिफरेंट फ्रेग्रेंस प्रोवाइड कराता है ये प्लांट। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आगे बात करते हैं इस प्लांट के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट को फुल सनलाइट में रखना चाहिए, जहाँ पर सनलाइट थोड़ी लो रहती है वहाँ इसको फुल सनलाइट में रखना चाहिए। हमारे तो यहाँ राजस्थान में काफ़ी धूप रहती है, इस वजह से इसको हमें सेमी शेड्स में रखना पड़ता है। फ्रेंड्स, और जहाँ सनलाइट कम होती है वहाँ इसको, जब इसमें फ्लावरिंग आए तो इसको सेमी शेड्स में, वहाँ पर भी सेमी शेड्स में रख देना चाहिए, ताकि फ्लावरिंग और अधिक से अधिक आए और फ्लावरिंग लंबे समय तक इसमें प्लांट्स में बनी रहे। फ्रेंड्स देखिए, इसमें फ्रेंड्स फीदर की तरह इसमें पंख के जैसे इसमें फ्लावर्स इसके होते हैं फ्रेंड्स, जो बंच के रूप में होते हैं, एक साथ 5 to 6 फ्लावर्स होते हैं एक स्टेम में। तो फ्रेंड्स, ऑटम सीजन में इस प्लांट में फ्लावरिंग सबसे ज़्यादा होती है, जो विंटर सीजन तक रहती है। और इसे हमें दोनों टाइप से इस प्लांट को बना सकते हैं, बुशी टाइप और क्रीपर टाइप। फ्रेंड्स देखिए, मेरे फ्रेंड्स देखिए, मेरे ग्राउंड फ्लोर का गार्डन फ्रेंड्स, जिसमें रोजेज में काफ़ी फ्लावर्स आ रखे हैं इस टाइम, और गुड़ैल में भी काफ़ी ब्लूमिंग हो रही है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं समर सीजन, समर केयर के बारे में। फ्रेंड्स, समर में इसमें मल्चिंग करते रहना चाहिए, ताकि रेनी सीजन और ऑटम सीजन में ये फ्लावरिंग अधिक से अधिक दे। और एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए, इसकी हमें प्रूनिंग कर देनी चाहिए समर सीजन में फ्रेंड्स, ताकि रेनी सीजन में ये ग्रोथ कर जाए और ऑटम सीजन में अधिक से अधिक फ्लावर हमें प्रोवाइड करे। फ्रेंड्स, ये मेरा दूसरा प्लांट है फ्रेंड्स, दोनों को मैंने बुशी टाइप प्लांट्स बना रखा है फ्रेंड्स, क्रीपर टाइप बनाया नहीं है। मैं क्रीपर टाइप दो प्लांट मैंने आगे ट्री गार्ड में लगाए हुए हैं फ्रेंड्स, वहाँ पर उनको क्रीपर टाइप बनाने का प्लान है फ्रेंड्स। ये दो बुशी टाइप गमलों में लगाए हुए प्लांट्स हैं, दो बेहद शानदार फ्रेग्रेंस प्रोवाइड करते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, दोनों में फ्लावरिंग बेहद शानदार आई हुई है फ्रेंड्स, और इसमें इसे हमें वाटरिंग डेली करना चाहिए, अगर हमारा वेल ड्रेन पॉट है तो फ्रेंड्स।
ताकि इसकी प्रॉपर ग्रोथ चलती रहे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो फ्रेंड्स इस प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसको लो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र रिक्वायर होता है, जो NPK 5-10-10 हम इसमें दे सकते हैं या सेपरेट भी हम अलग से इसमें दे सकते हैं फ्रेंड्स। और बेसिक फ्रेग्रेंस प्लांट है तो इसमें इसमें इंसेक्ट्स का डर रहता है फ्रेंड्स, तो हमें फंजीसाइड्स और ये नीम स्प्रे इसमें करते रहना चाहिए फ्रेंड्स। इस प्लांट को चीटियाँ और मधुमक्खियाँ बहुत पसंद करती है इस फ्लावर्स को, सो हमें ये स्प्रे करते रहना चाहिए फ्रेंड्स। इस प्लांट की हाइट फ्रेंड्स 10-30 फीट तक जाती है अगर हमें क्रीपर टाइप इस प्लांट को रखे तो। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही। मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो को शेयर करना ना भूले, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि नए वीडियो आपसे डायरेक्ट पहुंचते रहे।